हेलो स्टूडेंट ए मुहूर्त तुम्हारे सामने जो क्लस नहीं क्लस वन तुम्हारे आइडियल मैथ ठीक है इंग्रेजी जो अंक बोलते आज इंग्रेजी आइडियल मैथ से आइडियल मैथे तुम्हारा पेज नम्बर देखो 93 93 पता है जो अंकगल आट द फलोइंग ठीक है एट द फलोइंग मान नीचे जगह आज से जो करते हैं एड एड मान हम जो ये मानाटा आगे भलोक जानो जो एड मान कि ए डबल डी एड एड मान हम जो जो एट द फलोइंग मैंने नीचे जगह आज से जो करते हैं ठीक है तो जोग क्यों करते हैं तुम्हारा सकले ही भलोक जानो ठीक है और जोग नतून को देखान कि तबुओ हमें तुम्हारे एखे देखो देखिए दीची क्यों जो करते हैं जोग क्यों है तुम्हारा सकले ही जानो ठीक है तबुओ हमें तुम्हारे देखा क्यों एखे जो तुम्हारा करो आप मैं जोग प्रिय गुण भाग तुम्हारा सब ही करते पर हे बांगला संख्या लिखे करते एन जो करते हैं जो इंग्लिश संख्या इंग्रजी संख्यागुल्लो है ठीक है वन टू थ्री फोर हमें जो बोली ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये इंग्रजी संख्या व्यवहार करते हैं एखे विशेष किचुई नहीं हाँ बांगलाते जमन एकक दशक शतक हजार अजुक लक्ष निजुत कोटि यह लिखा है इंग्रजी से रखम लिखते हैं तुम्हारे वन टेंस हाँ हंड्रेड थाउजेंड ये क्यों टेन थाउजेंड हाँ तब तुम्हार क्रोड ये मैं लैक्स ये क्योंकि एग्लो प्रकाश पा इंग्रजी टर्मगोलो ठीक है तो तुम्हारा देखो एखे जो सर मैं एन तुम्हारे इंग्लिश टर्म जत दूर पर जानते हैं जो चारटे अंत जानले ही आपात तो चारटे जान एकक बोला है वान्स दशकटा के बोला है टेंस शतकटा के बोला है हंड्रेड और हजारटा के बोला है थाउजेंड ठीक है तो देखो एखे तुम्हारे जो लिखा आज ओ टी बक्स आज देखो बक्सर मध्य लिखा आज कि ओ आर टी तर नीचे किस संख्या दिए आटो संख्या लेखा आज है जमन हे टोटी थ्री और थार्टी फोर ठीक है एम क्यों करते हैं एड जो करते जो करा है जो कर ले देखो थ्री और फोर तक कत हे सेवेन और थ्री टू यहाँ हे फाइव ठीक है तेल ये हो गल जोगा खूब सहजे हो गल क्योंकि एखे देखो एक जिस लक्ष्य करो जो ओ लिखे और टी लिखे क्यों लिखे ना ओ पर ओटा कीसर जो ना ओ पर ओटा वान्स ओ एन ई एस वान्स मैं जैसे बांगल् बोली कि ना एकक बोला एकक एकक वान्स ओ एन ई एस वान्स एकक बांगल् एकक बोली जार शर्ट टर्म लिखी ए ए लिखी और दशक घरे द लिखी दशक घरे द लिखी क्यों एक दशक टी पद की हे टी पद टेंस 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 मान हम दशक दशक जेटा के बांग मान संक्षेपे लिखा है दईज एखे देखो ओ आर टी लिखा है वन से देखो संक्षेपे लिखा है वो प्रथम लिखा है ओ और टेंस टीटा लिखा हो वोजे ओ आर टीटा लिखा हो ठीक है यहाँ तुम्हारा भारत को लक्ष्य कर और तुम्हारे कि बल्लम जो एड मान कि जो करते हैं तेल एड द फलोइंग मैंने नीचे संख्यागुल्लो जो आज जो करते हैं नीचे जो अंकगुल्लो आज है जो करते हैं तुम्हारा चिन्हगुल्लो देखो बुझते जानने तुम्हारे जो करते बला ठीक है देखो जोटा क्यों करते तुम देखाल तुम्हारे तरह हमें तुम्हारे और किस अंक तुम्हारे को देखा हाँ लक्ष्य करो तुम्हारा बोर्ड दिखे तेल क्योंकि तुम्हारा देखते पा जो क्यों अंकगुल हो खूब सहज अंक गो एकदम कठिन कि जस्ट तुम्हारे शुद्ध की करते मान बुझते कि बोलते चाहिए इंग्लिश जो टर्म आज इंग्रजी तरह बांगला मानता जानते हैं ठीक है तो तुम्हारे बी तुम्हारा जदि से बांगला टर्मगुल ना बुझते पर जो ना जानो तुम्हारा तुम्हारे जो व्हाट्सएप ग्रुप आज से लिखते परो जो सर ये टर्मा पासीना यार बांगलाटा कि मायटा कि ठीक है तुम्हारे जत दूर सम्भव से जानान चेषा करा से जहा प्रब्लेम थे से प्रब्लेम सल्व करार चेषा करब ठीक है तो तुम्हारे बी देखो अंकगल भलोक कर अंकगल एम कठिन किचुई नहीं खूब सहज जिन देा आ
তোমাদেরকে যেটা বারবার বলবো যে এই ইংলিশ টার্মগুলোর বাংলা মানেটা কী হবে, অর্থটা কী হবে সেটা তোমরা ভালো করে লক্ষ্য করবে, ঠিক আছে? তোমাদেরকে এখানে যেমন বললাম যে ও ও হচ্ছে ওয়ান সেট, ওয়ান সেট ওটা লেখা হয়েছে আর টেন্সের টিটা লেখা হয়েছে। ওয়ান্স মানে হচ্ছে একক আর টেন্স মানে হচ্ছে দশক, ঠিক আছে? তাহলে আমরা বাংলাতে কী করি না, এককের জন্য ইয়া লিখি, দশকের জন্য দ লিখি, তোমাদেরকে লিখে দেখানো হয়েছে এখানে, দেখো। হ্যাঁ, এটা দেখো, এইভাবে কিন্তু আমরা বাংলায় যেভাবে করেছি ঠিক একই রকমভাবেই হবে, জাস্ট ইংলিশ টার্মটা হবে, কঠিন এমন কিছুই নয়। আর এখানে দেখো তোমাদেরকে কয়েকটা অঙ্ক দেওয়া আছে, আমি তোমাদের তার মধ্যে দু একটা করলাম, আরও দু একটা করে দিচ্ছি এখান থেকে। তোমরা যে অঙ্কগুলো এই যে 93 পেজ, বাকি যে অঙ্কগুলো আছে, বাকি টোটাল অঙ্কটাই তোমরা আমি যেগুলো করছি সেগুলো তোমরা করবে, ঠিক আছে? তো এই অঙ্কগুলো টোটাল অঙ্কগুলো তোমরা করে তোমাদের যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে সেই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে পোস্ট করবে, ওকে? দেখো আমি তোমাদেরকে আরো দু একটা অঙ্ক এখান থেকে করে দিচ্ছি। দেখো ও আর কি, তাহলে নাম্বারটা হচ্ছে 63 আর 36, অ্যাড করলে কি হবে, 63 সিক্স আর থ্রি, দেখো সিক্স আর থ্রি হচ্ছে নাইন, থ্রি আর সিক্স এটা হচ্ছে নাইন। একই রকম ধরো আবারও একটা অঙ্ক করলাম, ঠিক আছে? কি করতে হচ্ছে না, ও আর টি ওয়ান স্পেন্স, হ্যাঁ, এর নিচে দেখো নাম্বার লিখলাম 17 50। এখানে তোমাদের বইতেই অঙ্কগুলো কিন্তু আছে, সবই তোমাদের বইয়ের মধ্যে থেকে আমি করছি। হ্যাঁ, দেখো নিচে যদি জিরো থাকে, উপরে যদি সেভেন থাকে, কী হয়, যে কোনো সংখ্যা নিচে যোগ করার সময় নিচে যদি শূন্য থাকে, উপরে যদি সাত থাকে, বা উপরে যদি শূন্য থাকে, নিচে যদি সাত থাকে, যোগের সময় কী হবে, যে সংখ্যাটা থাকে সেই সংখ্যাটাই নামাতে হয়, ঠিক আছে? তো সংখ্যাটা নামলো 7 ছিল, 7 নামলো, এবার 5 আর 1 অ্যাড করলে হচ্ছে 6, তাহলে 67 অ্যান্সারটা কী আসছে, না 67। এইভাবে কিন্তু অঙ্কগুলো তোমাদেরকে করতে হবে, অঙ্কগুলো এমন কঠিন কিছুই নেই, বারবার বলছি যে অঙ্কগুলো ভীষণ সহজ, ঠিক আছে? তোমরা একটু লক্ষ্য করবে, জাস্ট তোমরা এগুলো পারো, সবাই পারো, কিন্তু তোমাদের যে ওয়ানের ক্লাসে আছো তোমার সব ছাত্রছাত্রীরা সবাই পারবে এই অঙ্কগুলো, একটু লক্ষ্য করো কীভাবে বললাম, এইভাবে কিন্তু তোমরা করবে। আর তোমাদের আবারও বলছি যে 93 পেজ যে অঙ্কগুলো আছে, টোটাল যে যোগগুলো দেওয়া আছে সব যোগগুলো তোমরা তোমাদের হোম টাস্কের যে টাস্কের যে খাতা করেছো সেই টাস্কের খাতায় রেডি করে তোমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে পোস্ট করবে, ওকে? বাই।